शेगांव के समीप ग्राम कंचनपुरा में खेत से घर बैलगाड़ी से लौट रहे किसान पर बिजली के तार टूट कर गिर गए, जिससे बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी पर सवार किसान चंद्र सिंह पिता दलू और उनकी पत्नी ने बैलगाड़ी से कूद कर जान बचाई, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। ग्राम में हुई अचानक इस घटना से पूरे ग्राम में सन्नाटा पसरा है और जिसके बैल थे वह किसान अभी तक सदमे में है। ग्रामीणों द्वारा बैल की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। सेगांव के सरपंच शांतिलाल चौहान द्वारा भी प्रशासन से बैल के मालिक को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। घटना घट गई कंचनपुरा में चंद्र पिता दलू के मतलब करंट लगने से दो बैलों की जान गई है। गाड़ी पे दो व्यक्ति बैठे हुए थे, पर किस्मत उनकी तेज रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो दोनों बच गए। मतलब दो बैल मरे, मतलब दो उनके बच्चे मरे। मतलब तो प्रशासन से यही निवेदन है कि उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए उनको। क्या नाम लिखते हैं? सरपंच शांतिलाल चौहान। क्या बैलों करंट कैसा लगा? तार ऊपर से पड़े, गाड़ी निकालना। कहाँ ले जा रहे थे बैलगाड़ी? खेत में। तो आप भी बैलगाड़ी में बैठे थे क्या? हाँ। तो आपको नहीं लगा? आप कूद गए ऐसा? क्या नाम लिखते हैं आप? चंद्र सिंह। क्या कीमत रखते हैं बैल आपके? 80,000। ये बिजली के तार गिरने से ही मरे था? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।